संयंत्र और मानव संसाधन की सुरक्षा बाल को प्रबंधन की प्राथमिकता है। संयंत्र के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बालकों के औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण विभाग की ओर से समय समय पर मॉकड्रिल आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में संयंत्र 2 प्रयोगशाला में गैस लीकेज से सुरक्षा पर मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान बालकों के अग्निशमन विभाग ने जान माल बचाने के अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस संबंध में देखेंगे रिपोर्ट। संयंत्र 2 के गुणवत्ता एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में मॉकड्रिल की शुरुआत प्रयोगशाला में कार्यरत एक बालको कर्मी के बेहोश होने से हुई। प्रयोग के दौरान गैस की जरूरत पड़ने पर जैसे ही उन्होंने प्रयोगशाला में रखे गैस सिलेंडर का नॉब ऑन किया, गैस लीक होने लगी। गैस के प्रभाव से वे तत्काल बेहोश हो गए। मॉकड्रिल के दूसरे चरण में बेहोश कर्मचारी के एक सहकर्मी द्वारा प्रयोगशाला में अपने साथी कर्मचारी को बेहोश देखकर तत्काल आवश्यक उपाय किए गए। उन्होंने आपातकालीन सायरन चालू किया और वे स्वयं प्रयोगशाला भवन से बाहर की ओर भागे। इस दौरान उनके चिल्लाने से प्रयोगशाला में कार्यरत अन्य बालको अधिकारी और कर्मचारी गैस लीक होने की सूचना पाकर सचेत हो गए। मॉक ड्रिल के तीसरे चरण में प्रयोगशाला में कार्यरत एक कर्मचारी ने बालको अग्निशमन विभाग को गैस लीक होने की सूचना दी। हेलो, मैं प्लांट टू लैब से निर्भय दुबे बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ गैस लीक हो गई है, जल्दी आइए। प्लांट टू लैब में गैस लीक हो रही है ना? ओके ओके। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल घटना स्थल की ओर अग्निशमन दमकल और कर्मचारियों के साथ रवाना हुए ताकि स्थिति पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके। घायलों को बचाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस भी भेजा गया। जो अंदर बेहोश होकर गिरा हुआ है उसको जाके बचाना है। संयंत्र 2 प्रयोगशाला पहुंचने के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल अपने सभी जीवन रक्षक उपकरणों के साथ घटनास्थल में प्रवेश किया और गैस नॉब को बंद कर घायल बालको कर्मी को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे बालको अस्पताल रवाना किया। स्थिति पर नियंत्रण पाकर अग्निशमन कर्मचारियों ने घटना की रिपोर्ट फायर स्टेशन के अधिकारियों को दी। अग्निशमन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट सुरक्षा प्रभारी को दी। सब कुछ नॉर्मल है, गैस पूरा बाहर चल बंद कर दिया है। बाहर आ रहा था गैस, हम लोगों ने वाटर कटर लगा कर उसको रोक दिया था ताकि सेफ और प्रॉपर्टी का डैमेज के लिए भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे उसमें। दुर्घटना पर काबू पाने के अभ्यास सत्र के बाद संयंत्र 2 गुणवत्ता एवं नियंत्रण प्रयोगशाला के प्रमुख श्री टी प्रभु ने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को दुर्घटना शून्य कार्यशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। सर, इन फ्यूचर अगर सपोज ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो अब हम प्रिपेयर हैं कि हम उसको कंप्लीट दिस वे ऑन एमरजेंसी को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी एमरजेंसी स्टेप्स आ जाए। एग्जैक्टली, वेरी प्रॉपर कम्युनिकेशन।